हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करते समय कुछ डाउट नहीं आना चाहिए। सो ये जो वीडियो है आपको हेल्प करेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है हमारा ऑनलाइन। ओके, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सबसे पहले नेम ऑफ द स्टूडेंट पूछा है, तो आपको यहाँ पे आपका फुल नेम ब्लॉक लेटर्स में क्या करना है, आपको टाइप करना है। उसके बाद में आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ, और याद रहे पहले मंथ डालना है आपको, बाद में डे, और उसके बाद में ईयर डालना है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है कॉन्टेक्ट नंबर है, तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको डालना है, जो आपको व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर है वो आपको क्या करना है इसमें पुटअप। उसके बाद में आपको ईयर सिलेक्ट करना है, जैसे कि अगर फर्स्ट ईयर में हो आप तो फर्स्ट ईयर सिलेक्ट करो, अगर सेकंड ईयर में हो आप तो सेकंड ईयर सिलेक्ट करो। सो जो भी आपका ईयर रहेगा वो आपको क्या करना है यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको सेमिस्टर सिलेक्ट करना है, जैसे कि अभी फिलहाल करंट सेमिस्टर जो है वो थर्ड सेमिस्टर है, फिफ्थ सेमिस्टर है एंड सेवन्थ सेमिस्टर है। ओके, तो आपका जो भी सेमिस्टर रहेगा आपको क्या करना है यहाँ पे सेमिस्टर सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको आपका परमानेंट एड्रेस डालना है, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालना है यहाँ पे आपको। उसके बाद में आप अगर रेड जोन से है तो आपको यस सिलेक्ट करना है, अगर आप रेड जोन से नहीं हो तो आपको नो सिलेक्ट करना है। रेड जोन मतलब आप सभी को पता ही है, हम लोग न्यूज में सभी लोग देख रहे हैं फिलहाल कि रेड जोन कौन से है, ग्रीन जोन कौन से है और ऑरेंज जोन कौन से है वगैरह वगैरह। तो आपको एक ऑप्शनल है, आपको क्या करना है आपका जोन कौन से इसमें आ रहा है, मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट रेड जोन में है या फिर आपका विलेज रेड जोन में है, कि आपको सिलेक्ट करना है। अगर रेड जोन में है तो आपको यस सिलेक्ट करना है, अगर रेड जोन में नहीं है तो आपको नो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में ईमेल आईडी आपको यहाँ पे आपकी टाइप करना है, और याद रहे वो ईमेल आईडी आपको क्या होना चाहिए, रनिंग में होना चाहिए, करंट आपको उसको पासवर्ड पता होना चाहिए, क्योंकि इस ईमेल आईडी पे हम लोग क्या करने वाले, आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन पे कनेक्ट करने वाले। तो याद रहना चाहिए आप लोगों को कि ईमेल आईडी जो है वो करंटली चालू होना जरूरी है। उसके बाद में सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है आपको, जैसे कि सॉम मशीन डिजाइन पावर इंजीनियरिंग M3 की बैचेस स्टार्ट हो रही है अभी मंडे से, तो आपको इसमें से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर किसी को अदर सब्जेक्ट की जरूरत है आपको अदर सब्जेक्ट में टाइप करना है सब्जेक्ट का नाम। उसके बाद में डेट ऑफ फीस पेड, अगर आपने कल फीस पे किया है तो आपको कल की डेट यहाँ पे क्या करना है टाइप करना है, अगर आज फीस पेड किया आपने तो आज की करना है, जो भी आपकी डेट रहेंगी फीस जब जिस दिन आपने क्या किया है ऑनलाइन फीस पे किया है उस दिन की डेट जो है आपको डालना है। और याद रहे यहाँ पे भी मंथ डे और ईयर फॉर्मेट में टाइप करना है। उसके बाद में फीस पेमेंट मोड कौन सा है, जैसे कि फोन पे से कर रहे हो आप पेमेंट, गूगल पे से कर रहे हो, ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हो या फिर कोई अदर मेथड का यूज कर रहे हो आप, जैसे कि पेटीएम वगैरह, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आप कौन से मेथड का यूज कर रहे हो या फिर कौन सा मोड आप यूज कर रहे हो पेमेंट के लिए, ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद में फीस कितना पेड किया है आप लोगों ने, जैसे कि 2000 पर सब्जेक्ट फीस है, अगर कोई लेट फी पे करता है तो उनको 3000 है, और दो सब्जेक्ट की अगर फीस पेड कर रहा है कोई तो उसका 4000 ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर कुछ अदर फीस है यहाँ पे, जैसे कि अगर लेट फी भी है और दो सब्जेक्ट है तो आपको यहाँ पे 6000 यहाँ पे अमाउंट टाइप करना है। ओके, उसके बाद में ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि जो पेमेंट स्क्रीनशॉट है ये सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, पेमेंट डिटेल्स जो है, जो भी आपने मेथड यूज किया है फोन पे गूगल पे या फिर ऑनलाइन नेट बैंकिंग, सो कोई भी अगर आप ऑप्शन यूज करते हो तो उसका स्क्रीनशॉट निकालना है आपको, और वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड फाइल करके क्या करना है आपको अपलोड करना है। जैसे कि आप ऐड फाइल अगर करते हो तो आपको एक विंडो मिलेगा आपके मोबाइल के ऊपर, वहां से क्या करना है आपको सिलेक्ट करना है वो फाइल, और वो फाइल यहाँ पे अटैच करना है, और अटैच करने के बाद में सबसे लास्ट आपको क्या करना है सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में ये आपकी सारी डिटेल्स मेरे पास आ जाएंगी, और इस डिटेल को चेक करने के बाद में मैं आपको एप्लीकेशन से क्या कर दूंगा कनेक्ट कर दूंगा, और मंडे से अपने क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, सभी लोगों ने बेसिक्स से बैच को ज्वाइन करना है। अगर किसी को कुछ दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रहा है, अगर कोई लेट बैच ज्वाइन करता है तो क्या होगा, आप लोगों का बेसिक मिस हो जाएगा और उसके बाद में आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज बेसिक से बैच आपको सभी को ज्वाइन करना है, और जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना है।